हाय दोस्तों, मैं अभी जा रहा हूँ मानस नेशनल पार्क बांसबाड़ी रेंज, और मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आप लोगों को बहुत ही हसीन नज़ारा। क्योंकि दोस्तों, ये मानस नेशनल पार्क है जो दुनिया के सभी जाने वाले नेशनल पार्कों में से है, और यह एक खासियत है मानस राइनो और पीकॉक वगैरह। और मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आप कभी ना देखने वाले नज़ारा, क्योंकि 50 के ऊपर से ज़्यादा जो मधुमक्खियों का सट्टे है यहाँ पे, और मैं वो पेड़ दिखाऊंगा अभी आपको। दोस्तों, लाइन में रहिए और गिनना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि एक पेड़ में आपको दिखेगा 50 के ऊपर मधुमक्खियों का छत्ता। और दोस्तों, ये सब नेचुरल है, और यही जगह से देश के हर एक कोने में सप्लाई होते हैं मधुमक्खियों का मधु, और ये सब निकालते हैं आसपास के लोगों ने बहुत जान को जोखिम में डाल के निकाल लेते हैं दोस्तों। और इसी से आपको हर देश में आपको देखने को मिलेगा, और कहीं भी आप मधुमक्खी का दिखेंगे तो आपको याद आएगा दोस्तों। अभी देखिए राइनो, देखिए दोस्तों, मैं अभी मानस नेशनल पार्क में हूँ और यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ यहाँ का खासियत राइनो, जो दुनिया के जाने माने राइनोस में से होता है, जो असम में पाया जाता है। और ये एक घर राइनो बोलता है, जिसका हॉर्न एक ही है। और दोस्तों, अभी मैं आपको राइनो दिखा दिया हूँ, अभी दो ही फिलहाल नज़र में आए हैं। चलिए दूसरा जगह चलते हैं हम लोग फिर से, और दिखाएंगे आगे जाके। हमारा मेन मानो हमारा हीरो एक है, हमारा पूरा डेनी। चलिए दोस्तों, हंसी मजाक हो गया, अभी दिखाएंगे मयूर पंच। ये देखिए मयूर पंछी है यहाँ पे, जैसे हम पीकॉक बोलते हैं दोस्तों। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, और मैं अभी बहुत अंदर आ चुका हूँ, और यहीं पे आपको दिखाऊंगा मैं मानस नेशनल पार्क का कुछ लाजवाब किस्से। और देखिए दोस्तों, मैं अभी देख गया यहाँ पे जो उठा बैठा हुआ था, फिर से दिखाएंगे, क्योंकि बहुत ही रोमांचक होने वाला है ये नज़ारा दोस्तों। लाइन में बनी रहेगा, वीडियो में बने रहेगा, और कहीं जो मेरा दोस्त है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, एक खूबसूरत नज़ारा देखिए दोस्तों, फिर से मिल गया है, अकेला है। और ये जो है दोस्तों, बहुत ही रेयर केस जो दिखने को मिलता है, अब मैं दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए, सभी बोलते हैं मयूर डांस करते हैं, अपने पंखों को फैला लेते हैं, और यहीं पे आप लोगों को अभी दिखाएगा कभी ना देखने वाला नज़ारा दोस्तों। ये सब किस्मत वालों को ही दिखने को मिलता है, जैसे बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों ये जो मयूर होता है, ये पंछी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ निकालने में माहिर होता है, और ये अपने साथी को प्यार जताने का यही इनका एक लक्षण होता है। प्यार जताते हैं, हक जताते हैं अपना, और जितना भी मेल पंछी होता है, इनके ये डांस देख के इनके पास आते हैं और घुल मिल जाते हैं, ये अपने मिलाप बनाते हैं, यही है लक्षण, और यही से बुला लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, बना रहिए वीडियो पे, और मैं सभी दोस्तों को मैं बोलना चाहूँगा, जो भी मेरे इस वीडियो में नया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, जो भी नया है, जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के एक सब्सक्राइब से, आप लोगों के एक व्यू से, और आप लोगों के एक कमेंट से, लाइक कमेंट से दोस्तों हम लोग के हौसला बढ़ते हैं, और हम लोग नया नया कुछ करने की सोच पाते हैं दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों देख लीजिए कितना सुनहरा नज़ारा है। और चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं सभी को आज के लिए बोलता हूँ, जय हिंद, भारत माता की जय।